झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच खेला जाएगा। यह T20 सीरीज का पहला मैच है। जानकारों के मुताबिक यह हाई स्कोरिंग मैच होगा जिसमें कई नए रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। तो वहीं इस मैच के लिए कल यानी 24 जनवरी से टिकट मिलने लगेंगे। इस बार टिकट ऑनलाइन खरीदने की भी सुविधा थी, लेकिन अब कल से ऑफलाइन भी टिकट बेचा जाएगा ताकि टिकट की कालाबाजारी को रोका जा सके। रांची में होगा क्रिकेट का रण, 27 जनवरी को T20 के भिड़ंत, भारत और न्यूजीलैंड की होगी जंग। 27 जनवरी को एक बार फिर रांची अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सितारों से रोशन होगी, लिहाजा रांची में क्रिकेट का खुमार छाया हुआ है। दरअसल T20 का ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहला मुकाबला रांची के JSPA स्टेडियम में होने जा रहा है, जहां भारतीय क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से 2-2 हाथ करेगी। जबरदस्त फॉर्म में चल रही भारतीय टीम अपनी जीत का सिलसिला जारी रखने के लिहाज से मैदान में उतरेगी। मैच के लिए टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग पहले से ही चल रही थी, वहीं 27 जनवरी के मैच को लेकर टिकट की ऑफलाइन बिक्री भी 24 जनवरी से शुरू हो जाएगी। JSPA स्टेडियम में इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं। टिकट खिड़की सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेगी, फिर दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक टिकट की बिक्री होगी। हर शख्स ज्यादा से ज्यादा 2 टिकट खरीद सकता है। टिकट लेने के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा। सबसे सस्ती टिकट ₹1,000 की है, वहीं सबसे अधिक ₹10,000 की भी टिकटें हैं। मैच के लिए टिकट 26 जनवरी तक खरीदे जा सकते हैं। रांची के इसी JSPA क्रिकेट स्टेडियम में 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 का मैच होना है, क्योंकि टीम इंडिया इस वक्त अपने फॉर्म के हाईएस्ट लेवल पर है। न सिर्फ बल्लेबाज बल्कि गेंदबाज भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, और ऐसे में मैच को लेकर के एक रोमांच जो है रांची और पूरे झारखंड के लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। T20 मैच को लेके आप देखते हैं कि काफ़ी लोगों में उत्साह रहता है, और झारखंड और रांची के जो खेल प्रेमी दर्शक हैं वो क्रिकेट को लेकर बड़े पैशनेट हैं। वही मैच को लेकर JSPA स्टेडियम प्रबंधन की तैयारी अंतिम चरण में है। जानकारों की माने तो रांची में होने वाला T20 मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, और यहां पर रनों की बौछार होगी, क्योंकि T20 के रोमांच को देखते हुए पिच क्यूरेटर ने फ्लैट पिच तैयार किया है, और फील्ड में हर एक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली टीम के सिर जीत का सेहरा सजेगा। हाई स्कोरिंग मैच होगा, और ऐसे भी T20 जो मैच है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ही हो रहा है, तो ऐसे भी इस ग्राउंड का जो अभी तक का रेपुटेशन है उसमें हाई स्कोरिंग है और विकेट हाई स्कोरिंग मैच ही देगी। पिच फ्लैट विकेट रहेगा, पाटा विकेट जिसको बोलते हैं हम लोग क्रिकेट के भाषा में, और हाई स्कोरिंग ही रहेगा। जहां मैच को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं दोनों टीमें 25 जनवरी को रांची पहुंच जाएंगी और 26 को देर शाम प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम जा सकती हैं। बहरहाल T20 इंटरनेशनल मैच को लेकर राजधानी रांची पूरी तरीके से तैयार है, और एक बार फिर क्रिकेट के सितारों से शहर जगमगा उठेगा। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। ये जनाब फूल की खेती करके एक एकड़ में एक साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।